ये हमेशा होता रहेगा। हमारे यहाँ ऐसे कोई कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो सप्लाई का काम करते हैं। बालिका गृहकांड के बाद एक बार फिर सेक्स कांड से मुजफ्फरपुर सुर्खियों में है, जहां नौकरी देने के नाम पर कई लड़कियों की इज्जत लूट जाने का मामला सामने आया है, जिसे न केवल बिहार बल्कि पूरे देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। एक ओर जहां पुलिस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, तो दूसरी ओर सियासत भी गर्मा गई है। इसी बीच तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के एक विधायक ने ऐसा बयान दे डाला जिससे राजनीतिक गलियारे का पारा हाई हो गया है। मुजफ्फरपुर में लड़कियों से रेप मामले पर आरजेडी प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि ये हमेशा होता रहेगा। हमारे यहाँ कुछ नेता लड़कियाँ सप्लाई करते हैं, लड़कियों की सप्लाई कर कभी सांसद बन जाते हैं तो कभी मंत्री। ये हमेशा होता रहेगा। हमारे यहाँ ऐसे कोई कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो सप्लाई का काम करते हैं और कभी सांसद बन जाते हैं, कभी बिहार का मंत्री बन जाते हैं, कभी कुछ बनते हैं। उनका काम ही है यही सप्लाई करना और लड़कियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना और गलत काम करना। उन्हीं के इशारे पर सब काम होता है। लेकिन ये फर्जी कंपनी बनाकर, अरे फर्जी कंपनी कौन बनाता है? वही लोग जो राज्यसभा में जाता है, जो बिहार का मंत्री होता है, कुछ ऐसे ही लोग हैं जिनका कोई सर जमीन नहीं है, लेकिन बिहार सरकार उसको मानती है, राज्यसभा भेजती है, विधान परिषद में भेजती है, बिहार में मंत्री बनाती है। सुना आपने कैसे सरकार पर हमला बोलने के चक्कर में आरजेडी विधायक खुद किस स्तर पर आ गिरे? भाई वीरेंद्र के इस बिगड़े बोल पर बीजेपी और जेडीयू जोरदार पलटवार कर रही है और आरजेडी विधायक के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है। जो लोग भी उसमें दोषी हैं सबको सख्त सजा मिलने वाली है, लेकिन जिस प्रकार का बयान भाई वीरेंद्र ने दिया है, भाई वीरेंद्र जी को पता है ये राजबल्लभ यादव किस पार्टी के विधायक रहे हैं, अरुण यादव किस पार्टी में हैं, कितना नाम जानना चाहते हैं। अनेकों ऐसे नाम है जो इनके पार्टी में भरे पड़े हैं, उनको ही महिमा मंडित किया जा रहा है। बोलने के पहले उनको सोचनी चाहिए। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि ऐसे सामाजिक महापाप करने वाले पोस्को एक्ट का आरोपी राष्ट्रीय जनता दल का नेता है, नाम बता दें तो मिर्ची नहीं लगेगा, तिलमिल्ली लग जाएगा उसके बाद। जो लोग ऐसा कुकृत्य करते हैं, कानून से बड़ा समाज नहीं होता है और समाज से बड़ा कानून नहीं होता है, तो समाज के नज़रों में भी वो गिरते हैं और कानून के नज़रे में भी गिरते हैं। और अगर आपके पास नाम ऐसा है तो नाम का खुलासा करिए। बता दें कि मुजफ्फरपुर के अहियारपुर इलाके में कई लड़कियों को नौकरी देने का झांसा देकर बंधक बनाया गया, उनके साथ मारपीट की गई और साथ ही उनका यौन शोषण भी किया गया। यही नहीं बल्कि पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें पीड़िता की बेल्ट से बेरहमी से पिटाई की जा रही है। उसमें से एक युवती ने जब हिम्मत दिखाकर इस पूरी घटना को लेकर मामला दर्ज कराया तो पूरा सिस्टम ही हिल गया। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर गोरखपुर से आरोपी तिलक कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, वही बाकी के फरार आरोपियों की तलाश भी जारी है। लेकिन इस बीच लड़कियों से रेप को लेकर आरजेडी विधायक की इस गंदी बात ने बिहार की सियासत को गर्मा दिया है। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।